जाओ जी मन बीत कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़े में जागी तो चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बादी खुजीरे झुम 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 बाजू सारी शब्द सुन रहा था माइंड में कहीं और सारी नाल सुन अच्छा लगे मन है साड़ी बचपन से सबको साड़ी में देखते आए हैं माँ को दादी माँ को यहाँ पे ससुराल आने पे सासू माँ को मैं भी वैसे साड़ी ही पसंद करती हूँ पहनना क्योंकि ये एक मेरे कल्चर से जुड़ा हुआ है ट्रेडिशनली बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहने हुए आज कहीं भी फंक्शन और में जाओ सूट वेस्टर्न कुछ भी पहन लो पर जितना ग्लेज साड़ी में आता है तो उतना किसी ड्रेस में नहीं आता साड़ी साके कहीं कहीं पहनना पसंद करो दादी साहब साड़ी साथ तो कपड़ा तो वही है साड़ी का मैच रही है बाकी ज्वेलरी पसंद करा ज्वेलरी में जहाँ डेली यूज में तो चूड़ी है गले में सूट है और पैर में पायल है ये तो हमेशा डेली यूज रही है और पार्टी में शादी ब्याह में जवा तो भारी ज्वेलरी पहन आजकल की लड़कियां भी साड़ी इसीलिए पहनती हैं कि उन्हें ज्वेलरी अच्छी लगती है तो ज्वेलरी जितनी साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं ना और किसी ड्रेस में से नहीं कर सकते और गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी तो मेन साड़ी के साथ ही खिलती है तो मतलब साड़ी पहनने का ये भी एक कारण है। हाँ बहुत आज की लड़कियों में यंग जनरेशन में तो मेन कारण यही है कि साड़ी में ज्वेलरी का जो गेटअप आता है आजकल देख लो आप बोर या टिक्का ये सब पहनना पसंद करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि साड़ी के साथ ही ज्यादा वो खिल के आते हैं। अच्छा और दादा साहब आज यहाँ पार्टी वार्टी में या शादी ब्याह में जाऊँ तो आपका कहीं ज्वेलरी पहन से बचे आए तो बताओ ज्वेलरी पहना बिल्कुल नहीं कुछ नहीं तो कोई चीज में तेल गुनगुना 50 साल के तेल गुनगुने से वैसे तो साड़ियों में बहुत तरह के कपड़े चलते हैं जैसे जॉर्जेट सिफोन सिल्क साटन कॉटन और भी काफी हैं जो हम लोग पहनते हैं डेली वेयर में यूज लेते हैं पर वैसे और जैसे साड़ी के हिसाब से ही हम जैसे वो लहंगा चुन्नी भी पहनते हैं कि साड़ी है साड़ी को भी अलग अलग तरीके से बांधते हैं पर साड़ी कैन बी वोन जस्ट डज द साड़ी ब्लाउज पेटीकोट यू आर गुड टू गो और यू कैन एक्सेसराइज विद नाइस चंकी इयररिंग्स हेवी इयररिंग्स बैंगल्स पायल नेकलेस सम एंड बिंदी इज वेरी वेरी बंगाली significant of a Bengali woman, the big red bindi, and yeah, and I feel quick juda, and you're good to go. साल में 50 ही खरीद ला
साड़ी खरीदना और रिलेशनशिप नु खरीदना तो और ही ज्यादा हो जाए तो 50-60 साड़ी का खरीद रखी नहीं ने 50-60 साड़ी में देख लो एक एक जने ने 10-10 हज़ार साड़ी चाहिए तो मैं खुद ही 40 जना तो चार जना तो 40 साड़ी तो होगी और फिर ब्याह शादी देना देना रहे ही है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई हो जैसे एक लेडी आती है आपके सामने और आप उसके सामने 10 साड़ियाँ खोलते हैं और वो एक भी नहीं लेके जाए कोई फर्क नहीं पड़ता 10 की जगह हम 50 दिखा देते हैं उसको देखने 5 आती है हम 50 दिखाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आज देख के जाएगी कल लेके जाएगी ग्राहक लेडीज का ग्राहक ऐसे ही जुड़ता है आप उनके साथ में जितना पोलाइट रहेंगे आपके लिए फ्यूचर उतना अच्छा है एक साड़ी एक कस्टमर पसंद कराने में कम से कम 200 साड़ी 300 साड़ी ढेर लग जाते हैं तो पूरा पूरा खोल के दिखाने में पूरा पूरा उसमें भी पसंद नहीं आते उसमें भी बोलते हैं कुछ चेंज होना चाहिए फिर आप क्या करते हैं फिर क्या करते हैं उसमें पसंद कराना पड़ता है किसी को अच्छा अच्छा साड़ी खरीदते टाइम आप क्या क्या देखती हैं चीजें साड़ी में साड़ी में मेन साड़ी में वही है कि फैशन के हिसाब से थोड़ा तो देखते ही हैं तो मेन प्योरिटी देखते हैं कि कपड़ा कितना अच्छा है और उसमें वर्क जो अभी लेटेस्ट चल रहा है मेन वो देखते हैं कि हाँ अभी के हिसाब से ये ट्रेंड में है तो वो देखते हैं मेन वही चीज रहती है कपड़ों कैसा है या प्रिंट प्रिंट अच्छा है कलर कलर में सब गहरा रंग या लाल केसरिया रानी रंगों का यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है जैसे अगर आप बाहर थोड़े बड़े शहरों की तरफ जाएंगे तो आपको इंग्लिश कलर्स और वो सब भी चल जाएंगे यहाँ पे हमारे लाल केसरिया रानी पीला इस तरह के शेड्स का थोड़ा चलन ज्यादा है यहाँ पर साड़ी में कई चीजें है कि वो झूठ भी बोलना पड़ता है उसको उठाने के लिए जैसे 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 में नया कलर है काम नया है एंटीक पीस है ये सब बोलना पड़ता है भले काम पहले का हो ठीक है तो गुस्सा आता है जब कस्टमर दो दो घंटे बैठा रहता है एक भी साड़ी नहीं लेता उस समय तो गुस्सा तो आता ही है तो कभी ऐसा हुआ कि कस्टमर पे आप चिल्ला पड़े नहीं नहीं कभी तो ऐसा नहीं हुआ कस्टमर पे चिल्ला पड़े लेकिन गुस्सा आ जाता है गुस्सा आ जाता है उसके बाद एक बार तो आपने दिखा दी फिर उसको फोल्ड करने में फिर फोल्ड करने में फिर उसको पैकिंग करके अंदर लगाने में टाइम वेस्ट बहुत होता है साड़ी खराब भी होती है जैसे शिफॉन की साड़ी है तो खराब हो जाती है सिल्क की साड़ी है तो बोलते हैं मुझे पटली बना के दिखा दो पहन के देखेंगे तो उसमें साड़ी खराब हो जाती है कई सारी ये वाली अच्छी इसको पैक करवा देते हैं इसको पैक करवा हाँ ऐसा हुआ है मन मन में दिमाग में बैठा तो मैंने या को नहीं वो भाई चाय ठंडा होंगे या एक साड़ी ले आगे नहीं भी समय कदी मतलब कदी भी फिर वापस रिटर्न कदी करूंगा नहीं कदी भी दुकान मतलब दुकानदार ने कदी भी समझूंगा नहीं क्या आज चीज खिंडव है और दिल चीज नहीं ले रहा हूँ मैंने वो लार वापस दे रहा हूँ या ट्राई मोला इधर नहीं ज्यादा मतलब कोई ने दुकानदार ने परेशान करना वो मैंने छुआ लग रहा है नाना साहब आप वो गए हो नानी साहब कहीं कहीं मतलब हुई हुई अच्छा लगे अच्छा लगे क्या कहीं घूंघट ही बोले नहीं ना घूंघट घूंघट रो कोई मैच हुआ है या ही घूंघट कदम है अच्छा घूंघट एक लेडीज यार माँ बाप बेटा है वाइफ बैठी है तो माँ बाप के सामने बस एक शर्मिंदगी है अभी यार घूंघट खोल सी तो बने शर्मासी की देखो माँ बाप के सामने घूंघट राजस्थान में तो जैसे कह लो कि हमारे एक सरू से ही चला आ रहा है कि घूंघट जैसे ससुर जी के सामने नहीं जाते हम लोग घूंघट रखते हैं हाँ मैं भी रखती हूँ घूंघट नहीं जाते तो वो ठीक है आज टाइम टू टाइम सब थोड़ा चेंज हो रहे हैं तो नहीं रख रहे हैं पर जो एक सर पे बल्लू ढक रखा हुआ ना तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है कम्फर्टेबल फील करते हैं आज कहीं भी जाते हैं ना तो पल्लू के एक अलग ही लुक आता है हाँ ठीक है बिना पल्लू के सब पहनते हैं वो बिना पल्लू में तो उसमें इतना नहीं रहता जो वो लगती नहीं है कि हाँ साड़ी पहन रखी पल्लू के लेने से साड़ी का एक अलग ही लुक रहता है बस और कोई कारण नहीं है वैसे मैं तो साड़ी पहनता तो हाँ पर मैं घूंघट रखता हूँ साड़ी में घूंघट रखता बड़ा सामने बोल चा को नहीं और आज हमारे घर में तो आई चलन है कि ससुरार सामने बवा आवे जावे को नहीं फिरे को नहीं और घूंघट भी रखे ससुरार सामने और पल्लू तो रखे ही है सिर पर पल्लू तो
वैसे तो कुछ महत्व नहीं है, वैसे सब कुछ महत्व है। बोलते हैं कि शर्म होती है ना वो आंखों की होनी चाहिए। पल्लू इतना हमारे पास में पड़ोसी है, वो इतना बड़ा बड़ा घूंघट रखते हैं और ऐसे सबके बड़ों के सामने बोलते हैं, उससे कोई वो बात नहीं होती। बस वही महत्व है पल्लू का। तो पल्लू जैसे पहले के जमाने में यहाँ तक भी रखते थे? हाँ, इतना पल्लू रखते थे पहले। आज भी हमारे रखते हैं, आज भी हमारे पास में इतना रखते हैं और सास ससुर से इतना इस पर झगड़ा करते हैं। पूछो मत, पहनावा नहीं पर्सनैलिटी होती है। बड़ों की इज्जत करो, बोले कुछ भी पहनो कुछ भी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। साड़ी में बहुत तरह की ड्रेसिंग्स बदलती गई, एज पर कस्टमर भी थोड़ा फर्क आता है, किस एज की है, थोड़ा फंकी चाह रही है, थोड़ी बड़ी होंगी, थोड़ा उनको सोबर टेस्ट चाहिए, एक फर्क ये चलेगा। दूसरा फर्क चलेगा कि क्या ओकेजन है, उस हिसाब से डिमांड में फर्क रहेगा। अगर घर की शादी वगैरह है, बड़ा फंक्शन है, तो अच्छी साड़ियों की डिमांड रहेगी। छोटे मोटे फंक्शन है, लोअर साड़ीज, प्रिंट्स, ये सब चलते रहेंगे। नहीं, इसमें आजकल ऐसा नहीं है। पहले तो ये था कि साड़ी पहनने में दिक्कत होती है, आजकल साड़ियाँ ऐसे भी आने लगी है कि एक मिनट में जैसे जींस पहनते हैं वैसे ही साड़ी को हुक में लगाया, साड़ी रेडीमेड पहन के एक मिनट बाहर निकल सकते हैं। ब्लाउज रेडीमेड रहता है, फिक्स मोस्टली रहता है, और साड़ी के अंदर अलग अलग हुक लगे रहते हैं, जैसे साइज होता है उसके हिसाब से साड़ी मिल जाती है। तो इसका मतलब ड्रेप करने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ड्रेप उसमें कुछ नहीं होता है। और कुछ कस्टमर्स वैसे बोल देते हैं कि हमको हुक लगवा दीजिए कि जिससे हमको पटली और वैसे बनाना नहीं पड़े, सीधा पहन सके। क्योंकि नई बहू कहीं भी जाती है तो उसको यदि एक घंटा साड़ी में लग जाता है तो उसके लिए बड़ा वो दिक्कत का काम। तो इसलिए कुछ लड़कियां जब शादी के परचेजिंग की आती हैं तो कुछ साड़ियों में वैसा बना के लेते हैं हमसे, और हम बना के भी देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम शादी ब्याह या पार्टी या ओकेजंस पे साड़ी, मतलब भारी साड़ी ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि वेस्टर्न गाउन्स या वेस्टर्न वेयर? क्योंकि इतना आए फॉरवर्ड हुए नहीं अभी, इतने फॉरवर्ड जो कल्चर चल रहा है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसका कारण क्या है कि हम शादी में ही साड़ी पहन के जाते हैं, जबकि अगर कोई नॉर्मल भी लड़की जो आजकल वेस्टर्न वेयर पहनती है वो किसी न किसी शादी में जाती है तो साड़ी ही पहन के जाती है, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है जो जिस माहौल में रहते हैं ना, वो माहौल वाले तो यही जाते हैं साड़ी में, जैसे वो गाउन पहना या लहंगा चुन्नी पहना या सूट पहना, वो इतना अच्छा नहीं लगता उनको, उनके लिए फॉलो। आपको कभी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए ज़्यादा? नहीं, मतलब कभी वो लोग ऑफिस भी करता है, ऐसा करता है यंग जनरेशन, तो ऑफिस में जाने के लिए उन लोग को पास पकड़ना है, तो जब पास उतना चलना पड़ता है तब सब ड्रेस कंफर्टेबल नहीं होता है ना। हाँ। तब वो लोग को चूड़ीदार या जीन्स पहन थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। हाँ। तो वो थोड़ा पहनेगा, तो उसमें कुछ गलत नहीं है? नहीं, गलत ड्रेस में कोई गलत नहीं, अपना मन सच्चा हो ड्रेस में कोई गलत नहीं। No, it firstly does not matter. It's someone's perspective. It's wrong according to me, because if a girl can wear a crop top and she can wear a blouse, why are we questioning the one who's wearing a crop top? It's still showing the midriff. Your blouses show the entire back. So it's not really about a small short jeans. At the end of the day, like I said, the most modern women could be most comfortable in a sari. The outfit is not deciding a woman's preference, character or anything. Like something to be strong enough to sustain itself, it shouldn't matter whether the jeans are overtaking the trend or not. It's all about comfort nowadays. You can take anything for example, like we could take the metro to work or we could be stuck in the jam every day. It's similar, like I can be wearing sarees on certain occasions, but it does not make saree any less important for me. So yeah, saree is still my go-to outfit. Nice. साड़ी आप लोगों को कंफर्टेबल लगती है? हाँ, बहुत। डोरिया ओढ़ना नहीं लगता आपको या और कोई पोशाक? डोरिया तो और ज्यादा कंफर्टेबल रहता है गर्मियों में, तो आप पहनना पसंद करेंगे? हाँ, पहनते हैं। बाहर साड़ी पहन के कभी बाइक पे जाना हो पीछे बैठ के तो दिक्कत होती है? नहीं, जाते हैं, कंफर्ट रहता है उसमें, जाते हम लोग तो जाते हैं। इस साड़ी कंफर्टेबल? आई थिंक नो। ओके, बिकॉज़ इन साड़ी वी कांट डू एनीथिंग, लाइक in our generation nobody wants to wear saree. Vehicles, we can't ride vehicles in saree comfortably. What would be the struggle? Like a lot of people would not be able to judge what material,
would work, like you could buy a silk in summer season and you'd hate sari forever because silk is not something you should be worn during the summer. So it's struggle probably is more of just knowing what you want. So acha aap ek saal mein khud se kitni sariyan khareed lete hain? Sariyan lagbhag 20-25 ho jati hogi. Aur usme se aapke husband kitne gift karte hain? गिफ्ट वो तो एक या दो मेनली ओकेजनली करते हैं, बाकी परिवार में रहते हैं तो जैसे जरूरत होती है खुद ही ले आते हैं, बस वही है. तो जैसे जब हस्बैंड साड़ी लाते हैं तो उनको पहले बीवी को पूछना चाहिए कि किस तरह की साड़ी तुम्हें चाहिए, या फिर वो अपने पसंद से ले आए और बाद में अच्छी नहीं लगे तो भी चलेगी? वो बात सही है कि अगर पूछ के लाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, पर मेरे हिसाब से अगर वो गिफ्ट कर रहे हैं तो वो जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा. तो मैं तो अगर वो गिफ्ट कर रहे हैं तो वो कैसी भी हो मैं जरूर पहनूंगी. दादी साहब कितनी बार खुद वो साड़ी खरीद ले रहे हो? मैं तो हमेशा खुद ही लाऊं मारे लाऊं मारे नॉर्मली जब जेंट्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सामान नहीं, जैसे लेडीज़ आती है तो 150 साड़ी खुलवा लेगी कोई बात नहीं, जेंट्स आते हैं तो 5-6 साड़ी देखते हैं फटाफट से सिलेक्ट किया काम हो गया, उनको बहुत ज़्यादा खोलना निकालना नहीं रहता, फास्ट होते हैं. साल में कितनी साड़ियाँ खरीद लेती हैं आप लोग? अप्रॉक्सीमेटली मतलब गिनती ऐसे है कि 5-7 तो पक्का ही है. और उसमें से हस्बैंड कितने गिफ्ट करते हैं? कस्टमर कई तो प्राइस रेंज बता देते हैं, कई पूछने पर भी नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि दिखाते रहे. ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कस्टमर से एक बार प्राइस पूछ लेंगे तो उनको बुरा लग जाता है, लेकिन उसी चक्कर में वो साड़ी पसंद करेंगे नहीं. अगर उनको लेना है 5,000 के तो बोलेंगे कि 20,000 वाला मेरे को दिखाते रहो और थोड़ा दिखाओ, चाहे लेनी है एक साड़ी उसमें से तो ऐसे रेट का भी प्रॉब्लम आ जाती है उसमें. तो हम कई बार मॉल जाते हैं सिर्फ देखने के लिए नया फैशन में क्या आया, कई बार ये भी होता है कि साड़ियाँ सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि नया क्या चल रहा है. और कई बार बहुत बार होते हैं नया क्या चल रहा है फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे. हाँ तो हमारी तो टाइम खोटी हो जाती है. कई बार होता है कि जेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा प्राइस के चक्कर में थोड़ा साड़ी को देखो, लेकिन लेडीज को तो जो जम गया वो जम गया, लेना ही है, डजंट मैटर. साड़ी में एक अलग ही लगता है, हम कह सकते हैं कि साड़ी में सबसे ज़्यादा सेक्सी लगते हैं तो सबसे ज़्यादा ढके हुए भी रहते हैं. तो और अगर मैं तो साड़ी को ही प्रेफर करती हूँ सब और ड्रेसेस के अलावा. इट्स ऑफन नॉट परसीव्ड एज समथिंग दैट वुड कुड बी सेक्सी और हॉट, बट साड़ी इंडियन वुमेन लुक रियली हॉट इन साड़ीज. लाइक अ फैट पर्सन देन आल्सो लुक बॉडी. या इट्स द बॉडी डजंट साड़ी दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट साड़ी, इट कैन कैमोफ्लेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो इररिस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी साइज साड़ी विल सूट यू. सो दैट सकल दिखाओ जी हरी दरारद सब जानू मैं जो हरी हर चले वन पंगा जी मैं कल जागी धोकड़ी चंदन थारी चांदनी